हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा आपको मलेरिया कार्ड कैसे लगाते हैं और बिडाल टेस्ट कैसे करेंगे टाइफाइड के लिए। ये हमने कार्ड निकाल लिया है, अब इसको रखेंगे, इसमें से ड्रॉपर निकालेंगे, सीरम भरेंगे, फिर इसमें एक बूंद डालेंगे। ये देखिए, मैं ड्रॉपर से सीरम भर रहा हूँ, इसमें एक बूंद डाल दिया। उसके बाद हम स्लाइड पर डालेंगे एक एक बूंद। अब इसको बाइल को बंद करके रख देंगे अलग। अभी हम डालेंगे इसमें साल्मोनेला एंटीजन एच। इतनी देर में हमारा कार्ड क्लियर हो जाएगा, तब तक हम बिडाल करेंगे। तो ये है एंटीजन ओ। अभी हम कार्ड में डालेंगे बफर। बफर से ये होता है कि क्लियर हो जाएगा कार्ड, आपको दिखाऊंगा। तब तक हमारा कार्ड क्लियर हो जाएगा, तब आपको दिखाऊंगा कि कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी हम मिक्स कर रहे हैं सीरम और एंटीजन को, इससे पता चलेगा कि टाइफाइड है या नहीं। अगर टाइफाइड होगा तो ये फट जाएगा हमारा लिक्विड जो हमने रखा है मिक्स करके। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए घुमाएंगे। धीरे धीरे घुमाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, कि इससे आप अपने दोस्तों को जानकारी दे सकते हैं कि मलेरिया कैसे टेस्ट होता है, टाइफाइड कैसे टेस्ट किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, एक एंटीजन रेड है और एक ब्लू कलर का है। अभी हम देखेंगे, लाइट से देखना पड़ता है कि ये लिक्विड फटा है या नहीं फटा है। अभी हम देखेंगे कार्ड हमारा क्लियर हो चुका है। अभी आपको कार्ड दिखाऊंगा, देखिए हमारा कार्ड ये पॉजिटिव है। कार्ड हमारा पॉजिटिव हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि मलेरिया इस पेशेंट को है जिसका भी हमने ये ब्लड टेस्ट किया है मलेरिया। अभी हम बिडाल हमारा क्लियर नहीं हुआ है, अभी हम देखते हैं दोबारा से। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो ज़रूर करें, सपोर्ट करें गाइस थोड़ा। ये चैनल मेरा नया है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी हम थोड़ा क्लियर करेंगे वीडियो को।